सभी ने आश्वासन दिया, आश्वस्त दिखे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। यानी ये माना जाए कि सीएम के चेहरे को बदलने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई या फिर अभी इसे छुपाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि एक मैसेज अंदर से देने की कोशिश हुई और वही मैसेज जो है तमाम लोगों ने मीडिया के सामने दिया है। जरूर ये बातचीत हुई है, कई विषयों पर बातचीत हुई है कि आखिर ईडी का एक्शन होता है तो आखिर आगे क्या कुछ रणनीति अपनाया जाएगा और कौन कौन से विकल्प पर काम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मंत्री और विधायक बाहर निकले उनके एक स्वर थे, तमाम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान में हैं, भविष्य में भी रहेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अनेक तरह की पहलुओं पर चर्चा जो है इस बैठक में हुई और जब इतनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और वर्तमान में जो फिलहाल अभी भी छापेमारी जारी है ईडी की, जो रेड हुए हैं आज 10 जगहों पर उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, तो इन तमाम परिस्थितियों पर जब चर्चा हुई तो सिर्फ एक स्वर में ये कहना कि सिर्फ हेमंत सोरेन हैं और रहेंगे, इसे एक मैसेज के तौर पर बाहर में देने की कोशिश हुई है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में परिस्थितियाँ बदल भी सकती है, कोई और विकल्प पर भी काम किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के बैठक में एक मैसेज देने की कोशिश, जो ये कह रहे थे कि बीजेपी के द्वारा एक माइंड सेट तैयार किया जा रहा है, बीजेपी की गढ़ी हुई कहानी है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया जा सकता है, तो इन तमाम जो अभी अटकलें चल रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर एक विराम लगाने की कोशिश इस बैठक के बाद जो लोगों ने बाइट में कहा है, जो मंत्रियों ने, जो विधायकों ने कहा है, उस पर ब्रेक लगाने की एक कोशिश हुई है। फिलहाल कोई ऐसा इशारा मिलता हुआ नजर नहीं आया जिसमें कल्पना सोरेन के नाम की सहमति थी, क्या किसी ने भी ये नहीं कहा कि गांडे सीट क्यों खाली कराई गई, अब उसमें कौन उपचुनाव लड़ेगा? देखिए, इन सारे विषयों को अभी दरकिनार करते हुए एक स्वर में तमाम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बरकरार हैं और आगे भी रहेंगे, कोई विकल्प पर चर्चा नहीं हुई है। सरकार के कामकाज को लेकर के, विकास के जो कामकाज चल रहे हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है और तेजी कैसे लाया जाए इसको लेकर के, तो इससे आप समझ सकते हैं जब राजनीतिक हालात जो बदले हैं और उसको लेकर के अगर विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ गई तो इस बैठक में जरूर अन्य विषयों पर चर्चा हुई है, जो अभी वर्तमान में स्थिति है उस पर चर्चा हुई है, विकल्प तलाशने की भी कोशिश जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने इन चीजों को नहीं लाया गया है। तो क्या ये माना जाए मदन कि जो एक्सरसाइज किया जा रहा था, इससे पहले भी लिफाफा के वक्त जब एक्सरसाइज किया गया था तो महज ये एकजुटता दिखाने की एक्सरसाइज थी या वाकई अंदर खाने कुछ गड़बड़ी चल रही है? जिस तरह ईडी के समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंची, अब ईडी एक्शन के मूड में भी नजर आ रही है, राज्यपाल यहाँ से 8 जनवरी तक के लिए निकल गए हैं, तो ऐसे में क्या बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की उम्मीद की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक घटनाक्रम जो है बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी ईडी की दबिश जारी है और मुख्यमंत्री के जो खास सबसे प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके घर आज छापेमारी हुई है, अभी भी जारी है, तो इसे में हम ये कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 7 दिनों का मोहलत दिया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है ईडी का जो 7वां समन है जिसमें ये पूछा गया था और बताया गया था कि आप बताएं, जगह तय आप करें, हम वहाँ आकर के आपके बयान को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक लिखित जवाब जाता है, तो इसके बाद अब कई ऐसे पहलू हैं जिस पर कि फिलहाल इस बैठक में चर्चा हुई है, तो ईडी की कार्रवाई को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह से राज्यपाल भी झारखंड से बाहर चले गए हैं तो सरकार भी अपनी स्ट्रेटजी बदली होगी कि राज्यपाल के आने तक जो है हम ये एक मैसेज दें कि फिलहाल जो है हेमंत सोरेन ही बरकरार हैं और आने वाले दिनों में जब राज्यपाल वापस लौटते हैं तो अचानक से जाकर के फिर हम अपने जो नेता को चुने उसका नाम जो है उनके सामने रखते हैं। चलिए, यानी अगले कुछ दिन राज्य की राजनीति उठापटक नजर आएगी जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं और ये सारा कुछ निर्भर करता है मदन ईडी की अगली कार्रवाई पर। बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें ईडी की कार्रवाई पर, राजभवन और विधानसभा पर टिकी हुई है, तो इसे में हम कह सकते हैं कि कुछ भी संभव है, कभी भी संभव है, क्योंकि ईडी की भी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, ईडी ने जो अपना नोटिस दिया है, अब देखने वाली बात यह है कि अगर ईडी के नोटिस के बाद ये जो समन था जिसमें कि एक तरह से ये बताया गया है कि हम सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो फिर अगर ईडी के तरफ से भी कोई एक्शन नहीं होता है तो एक मैसेज जनता में ये भी जाएगा
रहेगा कि आखिर आप समन भेजते रहिए, हमारी जब मर्जी होगी तब हम आपके सामने आएंगे, नहीं मर्जी होगी तो हम आपके सामने नहीं आएंगे। तो ये एक संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुई है, इस पर भी ईडी अपना आगे की कार्रवाई जो है आगे बढ़ाएगी। चलिए, तो ईडी की कार्रवाई आगे जिस तरह से होगी, उसके बाद राजनीति के जो राजनीतिक हालात हैं झारखंड के, वो बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज की बैठक में सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम एकजुट हैं और कोई खतरा नहीं है, ये एकजुटता दिखाने की कवायद थी। हालांकि अंदर खाने क्या बातचीत हुई है इसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या सीएम का अगला चेहरा कल्पना सोरेन होंगी, इस पर भी किसी ने जवाब देने से इनकार किया है। यानी सभी ये कहते हुए नजर आए कि ऑल इज वेल है। अब आने वाले दिनों में क्या आगे राजभवन का स्टेप होता है, ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन भर आज झारखंड में राजनीतिक हलचल रही और सीएम के यहाँ जो बैठक हुई उसके बाद निकले विधायकों और मंत्रियों ने बहुत कुछ कहने से फिलहाल इनकार किया। सभी ने एकजुटता दिखाई है और कहा कि सब कुछ ठीक है और ये बीजेपी के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर ईडी से सरकार को परेशान करने की कोशिश सभी ने बताई है। लेकिन अगला कदम क्या होगा सरकार का, ये किसी ने भी बताने से इनकार किया है और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यहां पर राजनीतिक हलचल क्या रहती है, राजभवन किस तरह एक्ट करता है, ये सब देखना दिलचस्प होगा और उसके बाद ही किसी तरह का आगे जो कदम है सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से वो उठाया जाएगा।